हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकाला जाता है, और साथ ही साथ कुछ रिजल्ट भी मैं बताऊंगा, ताकि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें मॉडुलस रिलेटेड, तो आपको वहां पर कोई दिक्कत के सामना हमें ना करनी पड़े। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं इसके स्टेटमेंट से, तो क्या देखिए, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि जेड आपके पास है एक्स प्लस आई वाई के रूप में, इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन नॉन नेगेटिव, ये स्पेशल है, आपको हमेशा मेंशन रखना है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एंड इट इज जनरेटेड बाय मॉड, मॉड के अंदर जेड लिखा जाता है। अब इस पर भी आपको सॉल्व करके बताता हूँ क्या है। देखिए, अगर आपके पास जेड है, जैसे कि 2 + 3 आई है, तो मॉडुलस जेड क्या होगा, यहाँ पर रूट लगाएं आप और ये जो रियल पार्ट है इसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, रूट का 13। और कभी एक रिजल्ट आपको ये याद रखना है कि जो मॉड जेड 0 तभी हो सकता है जब उसके इमेजिनरी और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों 0 हों, यानी कि मतलब मॉडुलस जेड आपको 0 तभी मिल सकता है जब जेड आपका 0 हो, और किस 0 को भी हम लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। ओके, ऑल्सो हमें ये रिमेंबर रखना है कि पोलर फॉर्म में जो इक्वेशन होती है जेड इज टू आर की पावर आई थीटा, ठीक है, तो जेड की पावर आई थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा प्लस आई सेन थीटा, तो अगर मॉड जेड हम निकालते हैं तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट के आर स्क्वायर, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पर मॉड जेड की वैल्यू क्या जाएगी आर। और एक चीज़ जिसमें ये भी याद रखनी है कि अगर आपको जेड इसका जो सिंपली ये दे दे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इस रूप में दे दे, और जब आप इसका मॉडुलस निकालेंगे, जैसे कि मॉड जेड क्या आ जाएगा, रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का रूट 1, तो ऐसे वाले जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 1 देगा, मॉडुलस 1 देगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, यूनी मॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में ज़रूर आया होगा, अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और मुझे आपका सपोर्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।